तो सब कुछ जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, आत्मसात कर लेने के बाद जब जाग लगेगी तो मैं नहीं हूं कछु नहीं, कछु आहे तुम्हारा। ये जो कुछ नहीं है यही सब कुछ होना है। लेकिन जब मन से आपने मान लिया मैं कुछ नहीं हूं, मैं ना ही हूं, सब कुछ तेरा, सब तेरा ही तेरा है, तू ही तू है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही गुरु है। और अपनी सुरत को एक समर्पित चेले की तरह उससे जोड़ना है ताकि वो कानों के जरिए अंदर जाना शुरू हो जाए। फिर सुरत जपना शुरू कर देती है, फिर आगे की अवस्थाएं आएंगी समाधि की, सुन समाधि की, और उससे आगे जाना है। जैसे कबीरदास जी महाराज ने फरमाया है कि जप मरे या जपा मरे, अनर्थ भी मर जाए, उसका रूप हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ वही रहेगा परमेश्वर। तो ये होगा कैसे, ये अकल से हमारा पीछा कैसे छूटेगा? अकल से हमारा पीछा छूटेगा जब हम भक्ति करेंगे। अब भक्ति एकदम से तो हो नहीं पाएगी, आप सुनना शुरू करें तो अंतरात्मा जब सुनेगी, कानों के जरिए अंदर जाता है ईश्वर का नाम, अंदर जाके मैल धोनी शुरू करता है, मैल धोलेगी तो राहत मिलेगी, राहत मिलेगी तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम मानते नहीं है, हम खुली आंखों से सपना देख रहे हैं क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत अकलमंद हैं। बस इस अकल ने हमको मार डाला, इस बुद्धि ने हमको मार डाला। ठीक है, बुद्धि के बड़े फायदे हैं, बुद्धि के माध्यम से इंसान ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन वो तरक्की जा रही है मुकम्मल तबाही की तरफ अब, क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वहां ये करेंसी चलती नहीं है, वहां ये अकल भी नहीं चलती है। वहां कोई राजा हो या रंक हो या बादशाह हो या गरीब हो, वहां एक ही कतार में खड़े होना पड़ेगा। वहां काम क्या आएगा, जो तुमने ईश्वर का नाम जपा, जो तुमने भला किया, दया की, पुनदान किया, सेवा की, माफिया मांगी, जो भजन सुने, कुर्बानी सुने, ये काम आएगा। मैंने कई बार इसका जिक्र किया कि 68 तीर्थ सगल पुन जीव दया प्रवान, गुरु नानक देव जी महाराज, कुर्बानी, माफ करना सीखिए, माफी मांगना सीखिए। हमारा अहंकार, हमारा अहम हमें माफी नहीं मांगने देता है, हमारी अकल फौरन बीच में आ जाती, व्हाई मी, मैं क्यों माफी मांगू, उसने ये किया, उसने ये किया। हमारा पिंड नहीं छूटेगा, अगर जान छुड़वानी है तो माफ करना होगा और माफी मांगनी होगी, जैसा गुरु पिता ओंकार जी महाराज ने मुझसे करवाया। अब इसको अगर आप एक एंगल से देखें तो मैं मूर्ख आदमी हूं, लेकिन क्या किया जाए, ऐसी मूर्खता से ही मिलता है वो। ऐसी मूर्खता से ही मिलता है, ऐसे सीधेपन से मिलता है, क्योंकि तो भाव वो सीधापन। आप लोगों की चिंता मत करना, आप अकलमंदों की परवाह मत करना भाई। अकलमंदों के चक्कर में मत पड़ना, हमको मूर्ख ही रहने दो भाई। मूर्ख उभरे भाग, भाग लो अकलमंदों के पास से, भाग लो, क्योंकि अनलर्न करना है। और जब वो जान लेता है उसके विस्तार को, उसके बड़प्पन को, उसके लिमिटलेस आकार को, उसकी शक्ति को, सर्वशक्तिमान को, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, मैं ना ही हूं कछ नहीं। अपने जीवन को ईश्वरमय बना लो, किसी की परवाह मत करना। लोग तुम्हें पागल कहेंगे तो समझ लेना तुम सही राह पे हो, लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे तो समझ लेना तुम सही राह पे हो। चिंता ताकि कीजिए, जे अनहोनी होए, अनहोनी हो नहीं सकती और होनहार को कोई टाल नहीं सकता, तो फिर चिंता किस बात की, उसकी रजा में राजी है, मैंने जान के क्या करना है, ये सिखिज्म है। ऐसे ही मैं कई बार कहता रहता हूं कि अगर आपको गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी राह मिल गया, हाईवे टू सल्वेशन मिल गया, उनकी टेक्निक मिल गई, तो फिर भी अगर आपकी तलाश खत्म नहीं हुई तो कहीं कुछ गड़बड़ है। जिन्होंने भी पाया, चाहे मीरा ने पाया, जिसने भी पाया, पागलपन से पाया, संसार की परवाह किए बगैर पाया, वो जो बुद्धि वाला मामला है उसके मकड़ जाल से निकल के पाया,
सवालों के मकड़ जाल से बाहर निकल के पाया, सरेंडर के साथ पाया, तो जब इस दुनियावी इश्क में भी अपनी महबूबा को पाने के लिए पागलपन की हद तक जाना पड़ता है, तो अल्टीमेट प्राप्ति है। उससे बड़ी तो इस संसार में प्राप्ति कोई नहीं, वो अल्टीमेट इश्क है। तो उसके लिए किस लेवल का पागलपन चाहिए होगा। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल, इतने करिए सुरत मत मन बद, इतने करिए सुरा सदा की सद। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो क्या कहते हैं गुरु साहब, नानक अंत न अंत, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। वो इतना बड़ा है, उसका पसारा इतना बड़ा है, ये कौन कह रहे हैं? गुरु नानक देव जी महाराज। और हम इंटेलिजेंट लोग बात बात पे सवाल करने लगते हैं, क्वेश्चन उठाने लगते हैं, बस वही मारे जाते हैं, वही अभिशाप है। तो इस एपिसोड का मकसद शायद ईश्वर ने, गुरु साहब ने मुझे इसलिए सुझाया और बोलने लगा दिया कि हमको आत्मसमर्पण करना, हमको अकलमंद नहीं बनना है। ये तो निर्माणों का रास्ता है। पेंटिंग्स में, जो पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती हैं, अरबों में बिकती हैं, बड़े बड़े मास्टर्स की पेंटिंग्स, मैंने इसका भी जिक्र किया हुआ कहीं किसी एपिसोड में पहले, तो उसमें सब कुछ सीख लेने के बाद में अनलर्न करना होता है। चाइल्ड लाइक स्ट्रोक्स हो लेकिन मास्टरली स्ट्रोक्स हो, ये समझिएगा अगर कोई इसको समझ पाए तो। तो सब कुछ जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, आत्मसात कर लेने के बाद जब जाग लगेगी तो मैं ना ही हूं कछु ना ही, कछु आए न मोरा। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। ये जो कुछ नहीं है यही सब कुछ होना है। लेकिन जब मन से हमने मान लिया मैं कुछ नहीं हूं, मैं ना ही हूं, सब कुछ तेरा, सब तेरा ही तेरा है, तू ही तू है, ये कैसे आएगा, ये रंग कैसे चढ़ेगा। बस मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा, इससे सरलतम रास्ता नहीं है, मुझे तो नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं, मैंने एक एपिसोड में जिक्र किया था, बहुत सारी पद्धतियां हैं, लोग अलग अलग ढंग से ध्यान करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, विपासना करवाते हैं, वी ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, पहुंचना सबको एक ही जगह है। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनिया भर में जा जाके सारे वहम, सारे भ्रम निकाले और एक सरलतम रास्ता दिया। इसलिए मैं कहता हूं इस हाईवे टू सल्वेशन गाड़ी रहा है गुरु नानक देव जी महाराज का, कि तुमने सुनना शुरू करना है, अपनी आवाज को सुनना, जपजी साहब का पाठ करना, रेरा साहब का पाठ करना, ये शुरुआत के लिए। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, शब्द लगा के सुनना, रात को रिपीट पे लगा के सुनना। हमारे सर रोकाओ को नाम के शब्द हमने यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, वहाँ भी रिपीट पे आप डाल सकते हैं सेटिंग में जाके, और हमने हमारे धन गुरु नानक ग्रुप पे भी डाले हुए हैं ऑडियो फॉर्म में, वहाँ भी आप रिपीट पे लगा सकते हैं, हल्के वॉल्यूम पे लगा के सेटिंग कर लें वॉल्यूम की और सो जाएं, अपने अचेतन को सुनने दें, सोते सोते ही आपकी मेडिटेशन होती रहेगी। सुनाना तो अचेतन को, पहुँचना तो अचेतन तक है। तो मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, शायद कुछ नए लोग जिनके पास ये वीडियो जाए कि सुने, दुख पाप का नाश, दुखों पापों का नाश ईश्वर के नाम को सुनने से होता है। ईश्वर का नाम हम सुनते नहीं है, और हमारे पास हजारों प्रमाण है, जिन्होंने सुना उनको जवाब मिला, ठीक है, उनके भाग्य और कर्म का हिस्सा होगा, तभी वो विद बनी। और सर्व रोग का औखत नाम, सारे रोगों का इलाज ईश्वर का नाम है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही गुरु है, और अपनी सुरत को एक समर्पित चेले की तरह उससे जोड़ना है ताकि वो कानों के जरिए अंदर जाना शुरू हो जाए। फिर सुरत जपना शुरू कर देती है, फिर आगे की अवस्थाएं आएंगी, समाधि की, सुन समाधि की, और उससे आगे जाना है। जैसे कबीरदास जी महाराज ने फरमाया है कि जप मरे या जपा मरे, अनहत भी मर जाए, उसका रूप हो जाना है, उसमें एक सार हो जाना है, बूंद ने समंदर हो जाना है, आत्मा ने परमात्मा हो जाना है, तो फिर हमारा वजूद तो रहेगा नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा,
सिर्फ वही रहेगा परमेश्वर, तो ये होगा कैसे? ये अकल से हमारा पीछा कैसे छूटेगा? अकल से हमारा पीछा छूटेगा जब हम भक्ति करेंगे। अब भक्ति एकदम से तो हो नहीं पाएगी। आप सुनना शुरू करें तो अंतरात्मा जब सुनेगी, कानों के जरिए अंदर जाता है ईश्वर का नाम, अंदर जाके मैल धोनी शुरू करता है, मैल धोलेगी तो राहत मिलेगी, राहत मिलेगी तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत सारे बड़े हायर स्टेटस के लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन भी उसमें, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े सीनियर ऑफिसर्स, ADGP, SSPs, IAS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, बड़े सीनियर स्पेशलिस्ट जो गवर्नर्स रह चुके हैं, MPs, और कुछ बाबा लोग जिनकी बहुत अच्छी अवस्था है, इस तरह के लोग हमारे चैनल से जुड़े, लेकिन वो बताते नहीं हैं। कभी कभी धीरे धीरे कहीं से पता लगता है कि वो भी देखते, ये मेरा सौभाग्य है, ये मैं उन सबका आभारी हूँ, उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो भी देखते हैं और शायद मेरी बात किसी की पकड़ में आए। तो ये जब रात को आप रिपीट पे लगाएंगे, देखिए जितना भी पैसा आप कमा लें, मैंने कई बार जिक्र किया है, कफन के जेब नहीं होती है, हमको छोड़ के चलना होगा, सब कुछ छोड़ के चलना होगा। और जब उसने कह दिया इट्स ओवर, द गेम इज ओवर एंड यू हैव टू गो, आपके पास कोई दलील अपील कुछ नहीं है। और हम लोग इकट्ठा करते ही मर जाते हैं, ज्यादातर लोग तो भोगते भी नहीं है, बस जमा करते ही मर जाते हैं, और वो मरे पड़े होते हैं और घर के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। इसका जिक्र मैंने किया हुआ है कि किसको क्या दे के गया, किसके नाम क्या छोड़ के गया, और जिसको कम मिला वो वहाँ रोना पीटना शुरू किया होता है, और फिर ये होता है कि इसको जल्दी निपटाएं, क्योंकि रात को इसके पास कौन बैठेगा, एक रात की नींद नहीं वो ख़राब करेंगे। तो जब देर भी हो जाती है, कई बार अंधेरे में भी जाके वो रात को अंतिम संस्कार कराते हैं, दफना आते हैं, और फिर कहीं ना कहीं अचेतन मन में वो राहत की सांस लेते हैं कि अब कम से कम सो सकते हैं, बाकी अब कल देखेंगे क्या करना है, पाठ पूजा जो भी करवाना है, रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करना है। ये हमारा रिश्ता, इसीलिए गुरबाणी में भक्तों ने, महापुरुषों ने, अवतारी पुरुषों ने कहा कि ये सब धर्मशाला है, ये सब झूठा है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, हम खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत अकलमंद हैं। बस इस अकल ने हमको मार डाला, इस बुद्धि ने हमको मार डाला। ठीक है, बुद्धि के बड़े फायदे हैं, बुद्धि के माध्यम से इंसान ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन वो तरक्की जा रही है मुकम्मल तबाही की तरफ अब, क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो बहुत सारी तरक्की साइंसदानों ने, डॉक्टर्स ने, मेडिसिन में बहुत सारी तरक्की की है, लेकिन जो हालात हैं अभी संसार के, वो हमारी तरक्की की वजह से ही है, जो उन्होंने हथियार बना लिए हैं, सर्वनाश के हथियार बना लिए। तरक्की का एक नमूना है हमारे सामने, और जो विश्व युद्ध की धमकियां आ रही हैं, और जो लगता है कि 2023 एंड तक हमारे सामने बहुत सारे प्रमाण होंगे, ऐसा महापुरुषों का फरमान है। तो ये समय है कि हम जपना शुरू करें, ये कल कभी नहीं आता है। हम योजनाएं बनाते रहते हैं, कल कर लेंगे, ये कर लूं, वो कर लूं, ये निपटा लूं, नहीं ये निपटेगा नहीं, जिंदगी खत्म हो जाती है, काम नहीं निपटते हैं। तो यू हैव टू से इनफ इज इनफ, दैट्स इट, आपको एक कहना होगा, एक दिन उठ के खड़े हो जाना होगा। ऐसा मैं कई बार करता हूं, इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि पैसा, मैंने कई बार इसका जिक्र किया कि पैसा किसको बुरा लगता है। मैं यूनिवर्सिटी ड्रामा डिपार्टमेंट से गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, और बहुत सारे लोगों ने, इवन गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने, जो ईश्वर का अंश है, उन्होंने मुझे लिखित रूप में भेजा, तुझे ईश्वर ने बड़ी तीव्र बुद्धि दी है, मुझे कई तरह के टैलेंट दिए हैं, मैं बड़े पैसे कमा सकता था, तरह तरह से पैसे कमा सकता था, एडिटिंग कर सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, राइटिंग कर सकता हूँ, कमर्शियल वाइसिंग कर सकता हूँ, कितने काम कर सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं, वो मेरे काम नहीं आएंगे, वहां ये करेंसी चलती नहीं है, वहां ये अकल भी नहीं चलती है, वहां कोई राजा हो या रंक हो या बादशाह हो या गरीब हो, वहां एक ही कतार में खड़े होना पड़ेगा, वहां काम क्या आएगा, जो तुमने ईश्वर का नाम जपा, जो तुमने भला किया, दया की, पुनर्दान किया, सेवा की, माफियां मांगी, जो भजन सुने, कुर्बानी सुनी, ये काम आएगा। मैंने कई बार इसका जिक्र किया कि 68 तीर्थ सगल पुन जीव दया परवान, गुरु नानक देव जी महाराज, कुर्बानी
मैंने कितनी बार कहा, कुछ नए लोग जिन्होंने वो वीडियोस ना देखे उनके भले के लिए, उनके फायदे के लिए कह रहा हूं, 68 तीर्थों का फल, सारे पुण्य आपको मिल जाएंगे अगर आप जीवों पर दया करने लग जाएंगे। जरा सोचिए कितने लोग दया करते हैं, हमारा हाल देखिए क्या है, हमें किसी पर दया आती है? अगर आपको दया आती है तो इसका मतलब आप धार्मिक हैं, दया है तो धर्म है। कबीरदास जी महाराज, जहां दया, मैंने पहले जिक्र किया इसका, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, इसका मैंने जिक्र किया था कि माफ करना सीखिए, माफी मांगना सीखिए। हमारा अहंकार, हमारा अहम हमें माफी नहीं मांगने देता है, हमारी अक्ल फौरन बीच में आ जाती है, व्हाई मी, मैं क्यों माफी मांगू, उसने ये किया, उसने ये किया। हमारा पिंड नहीं छूटेगा, अगर जान छुड़वानी है तो माफ करना होगा और माफी मांगनी होगी, जैसा गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने मुझसे करवाया, कईयों से माफी मंगवाई, इंक्लूडिंग माई वाइफ, उनसे भी माफी मंगवाई, डॉक्टर रूपा से माफी मंगवाई, उनको गिफ्ट दिलवाए, उनका धन्यवाद करवाया, और मैंने किया। अब इसको अगर आप एक एंगल से देखें तो मैं मूर्ख आदमी हूं, लेकिन क्या किया जाए, ऐसी मूर्खता से ही मिलता है वो। ऐसी मूर्खता से ही मिलता है, ऐसे सीधेपन से मिलता है, क्योंकि सीधे आदमी का ये होता है कि उसको बता दिया किसी ने कि भी ऐसे करने से। मैंने वो आजड़ी जो गडरिया था उसकी कथा सुनाई थी एक वीडियो में, हजरत मूसा के बारे में कहते हैं वैसे कि हजरत मूसा ने उनको आयत दे दी, कुरान शरीफ की याद करा दी, वो अल्लाह ताला से बैठ के बातें कर रहा था, जैसे हम होते हैं ऐसा हमको हमारी परसेप्शन होती है कि आप भी अकेले हो गए, मैं आपकी टांगे दबा दिया करूँगा, मुझे सिवा पे रख लो, आपको गर्म पानी कर दिया करूँगा, आपकी जुआ निकाल दिया करूँगा। तो हजरत मूसा सुनने लग गए, उन्होंने कभी किससे बात, उन्होंने अल्लाह ताला से बात कर रहा था, उन्होंने वो थकते नहीं, उनके जुआ नहीं पड़ती हैं, तो मैं तो अनपढ़ जाहिल आदमी हूँ, आप मुझे बता दें। तो उन्होंने कुछ उनको याद करा दी, कुछ कुरान शरीफ किया, तो उसके चक्कर में पड़ गया वो, कर्मकांड में, टेक्निकलिटी में पड़ गया वो भाव चला गया। तो कुछ समय के बाद में ऐसा महापुरुष बताते हैं, अल्लाह ताला मुखातिब हुए हजरत मूसा से, नहीं कि हमने तुम्हें जोड़ने के लिए भेजा, तुमने तोड़ना कब से शुरू किया, तुमने मेरी तौबा, मैंने इसका जिक्र किया हुआ कहीं, तुमने मेरी तौबा, मेरी मजाल, मेरे मालिक की मैं कैसे कर सकता हूँ। तुमने कहा वो एक बिरिया था, रोजाना हम दोनों की अच्छी खासी बातचीत हो जाती थी, लेकिन आपने उसको किसी और ही रास्ते पर डाल दिया, वो उससे बात ही नहीं करता, उसी चक्कर में लगा रहता है। तो भाव, वो सीधापन, आप लोगों की चिंता मत करना, आप अकलमंदों की परवाह मत करना भाई। अकलमंदों के चक्कर में मत पड़ना, हमको मूर्ख ही रहने दो भाई, मूर्ख उभरे भाग, भाग लो अकलमंदों के पास से, भाग लो, क्योंकि अनलर्न करना है, और जब वो जान लेता है उसके विस्तार को, उसके बड़प्पन को, उसके लिमिटलेस आकार को, उसकी शक्ति को, सर्वशक्तिमान को, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, मैं ना ही हूं कुछ नहीं। आपको अपने छोटेपन का एहसास होता है, आपको अपनी अज्ञानता का एहसास होता है, हम कितने हेल्पलेस हैं, हम कितने निरीह, हम कितने छोटे हैं, हम कितने नगण्य हैं, इसका एहसास होता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज बार बार कहते हैं, नानक अंत न अंत, अंत न पारावार, जे को आखे बोल बिगाड़, तो लिखिए सिर गावार अंगावार। अगर कोई बिगाड़ के बताने की कोशिश करे तो उसे दर्ज किया जाएगा कि वो महागवार, महामूर्ख आदमी है, क्योंकि बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, और उसका भी एक लेवल है। तो अकलमंदों की संगत से बचना, सीधों की, सरल लोगों की, या यूं कह लो मूर्खों की संगत में बैठना, वो मूर्ख
जिनकी पकड़ में कुछ बात आ गई है, जिनको जाग आ गई है। और आप देखेंगे कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे, महापुरुष ऐसे फकीर मिलेंगे कि वो गंदे से कपड़े पहन के और ऐसे ही घूमते रहेंगे, कहीं भी बैठे रहेंगे। उसका कारण क्या है कि अगर वो बताने लग जाए तो लोग तो उनका पिंड नहीं छोड़ेंगे। ऐसा आपने देखा ना, कहीं किसी के पास थोड़ा सा कुछ आ जाए तो लोग भाग लेते हैं। कई बाबा लोग गालियां देते हैं, मारने लगते हैं, पत्थर मारते हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि ये सब स्वार्थी लोग हैं, ये सब मायावी लोग हैं, ये सब माया में खचित हैं। इनका स्वार्थ इनको लेके आता है उन संतों महापुरुषों के पास, तो वो प्रकट ही नहीं होते, ऐसे कहीं भी बैठे रहेंगे, क्योंकि वो अपने रंग में हैं, वो उस आनंद में, महानंद में, परम आनंद में है। वो नहीं चाहते कि उनको कोई डिस्टर्ब करे। लोग उनको मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। उसकी नजर में हम क्या है उनको मालूम है, वो उनसे मोहब्बत करता है। इसके बारे में मैंने एक सुनाया था, फकीर जो कीचड़ पड़ गया बारिश में, और कैसे किसने जलेबियां खिलाई, किसने थप्पड़ मार दिया, तो क्या हुआ था। तो कोशिश करें सुनना, जपना और सुनना, फिर धीरे धीरे और रात को रिपीट पे लगाना, दया करना, पुनर्दान करना, विनम्रता से दिखा के नहीं, जितना कर सकते हो उसकी नजर में, मैंने इसका भी जिक्र किया हुआ है, उसकी नजर में क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। अगर तुम एक रुपया दे सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा एक रुपया, और कोई बड़ा अमीर आदमी 1,00,000 रुपया दे सकता है, उसका 1,00,000 रुपया उस मालिक की नजर में बिल्कुल बराबर है, क्योंकि उसको मालूम है ये 1 ही दे सकता था और इसने दिया, तो इसकी परवाह मत करना। तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, बस ये शुरू करना, जो कर सको, किसी भूखे को खाना खिला देना, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उसको 100 रुपये नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, 10 रुपये का कुछ खिला देना, तुमने प्रयास तो किया। माफी मांगते रहना, धन्यवाद करते रहना, सेवा करना गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गरीबों की गौशालाओं में। मैं बार बार कहता हूं, रात को रिपीट पे लगा के सुना, चलते फिरते आते जाते वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह हू अकबर, हरिओम तत्सत, गॉड इज ग्रेट, मन में कहते रहना, गाड़ियों में अपने भजन शब्द सुनना, अपने जीवन को ईश्वरमय बना लो, किसी की परवाह मत करना। लोग तुम्हें पागल कहेंगे तो समझ लेना तुम सही राह पे हो, लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे तो समझ लेना तुम सही राह पे हो। तुम कोई बुरा काम करना चाहो तो तमाम लोग तुम्हारे साथ तैयार हो जाएंगे वो काम करने के लिए, लेकिन कोई अच्छा काम करना चाहोगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे, और जो मिलेंगे तो उनको लोग मूर्ख कहेंगे, लोग स्वार्थी हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, और इसी लोगों का बुरा हाल है। इसलिए चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम है, इसीलिए सब दंडित होने वाले हैं आने वाले समय में। तो अभी भी मौका है। कुछ सज्जन थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि धरती फिफ्थ डायमेंशन में चली गई और जा रही है, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। तमाम तरह की थ्योरीज हैं, पद्धतियां हैं, लोग यत्नशील हैं, लेकिन हमने समझ के क्या करना। मैं इसीलिए सिखिज्म का ज्यादा जिक्र करता रहता हूं कि वहां तमाम पद्धतियां फेल हो जाती हैं। वो कहते हैं कि भाई तेरी रजा में राजी हैं, और उसकी रजा में राजी रहने से बड़ी कोई भक्ति नहीं, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। इसीलिए आप तमाम गुरु साहिबान का जीवन, शहीदों का जीवन, मरजीवड़ों का जीवन देखें, तेरी रजा में राजी हैं, कोई शिकायत नहीं है। जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए, सर कटवाना पड़ जाए, बच्चों के टुकड़े करवा के गले में डलवाने पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टी खाल उतरवानी पड़ जाए, खोपर उतरवाने पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, बस ये है। तो उसकी रजा में राजी रहना, तो क्या करना जान के, चिंता ताकि कीजिए, जे अनहोनी होए, अनहोनी हो नहीं सकती और होनहार को कोई टाल नहीं सकता, तो फिर चिंता किस बात की। उसकी रजा में राजी है, मैंने जान के क्या करना है, ये सिक्किज्म है। लेकिन क्योंकि हम आधे अधूरे हैं, क्योंकि हम पूर्ण सिख बन नहीं पाए, हम पूर्ण खालसा बन नहीं पाए, हालांकि पूर्ण खालसा या पूर्ण सिख भी अपने कर्म प्रारब्ध और भाग्य और समय से बंधा हुआ है, लेकिन वो स्वीकार करते हैं, बस वही बात खत्म हो गई। वो उसकी रजा में राजी हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो शिखर पे पहुंच गए। लेकिन ये कुव्वत, ये हिम्मत, ये क्वालिटी कब आएगी, जब आप जपना सुनना शुरू करेंगे। तो ठीक है, अकलमंद होना अच्छी बात है,
इस दुनिया के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस रास्ते पे जो आप ज्यादा अकलमंदी करेंगे, मैंने एक सज्जन का जिक्र किया था, उन्होंने बाबूजी की संगत कही दोरासा वालों की, पता नहीं कितने साल उनके साथ बिताए थे, और अभी वो संतों महापुरुषों के दर्शन करते घूमते रहते हैं। मेरे पास भी आए थे डॉक्टर साहब हैं दिल्ली से, मैंने उनका जिक्र किया पहले, और मैंने उनसे पूछा भी था कि आपने दोरासा वाले महापुरुषों की इतनी देर संगत की और अभी तक आपकी तलाश खत्म नहीं हुई। ऐसे ही मैं कई बार कहता रहता हूं कि अगर आपको गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी राह मिल गया, हाईवे टू सेल्वेशन मिल गया, उनकी टेक्निक मिल गई, तो फिर भी अगर आपकी तलाश खत्म नहीं हुई तो कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर भी अगर आप इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, इधर भागते हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है, यानी रास्ता आपको मिल गया, ये अल्टीमेट रास्ता है। बाकी जो एडिशनल सपोर्ट की बात मैं करता हूं कि आप में अभी वो योग्यता नहीं है, आपकी वो अवस्था नहीं है कि आप गुरबाणी से अपने आप को ट्रीट कर सकें, तो एडिशनल सपोर्ट अगर शुरुआत में, जैसे मैं कहता हूं पेन हो रहा है तो एक पेन किलर ले लिया, कोई स्पाज्म टैबलेट ले लिया अगर पेट में आपके हो रहा है, इस तरह से एक एडिशनल सपोर्ट, टेम्परेरी सपोर्ट, लेकिन अल्टीमेट सपोर्ट तो उसका नाम है। तो अनलर्न करना है, जो पा लेते हैं। भगवान बुद्ध ने भी आखिर में क्या कहा, सिफर, जीरो, नथिंगनेस। ठीक है, तो नथिंगनेस की जो बात है, जो हो सबा की रेन का है, मैं ना ही हूं कछ ना ही, मैं अंधुले क्या चतुराई, मैं ना ही हूं कछ ना ही, ये सब क्या है, जो कुछ है सब तेरा, मेरा मुझ में किच नहीं। ये सब बार बार ये इंडिकेट करते हैं कि अगर आप अकलमंद हैं तो उस अकल का इस्तेमाल करते हुए गुरबाणी का पाठ जाप करें, याद करें, कंठ करें, बाय हार्ट लर्न करें, उस इंटेलिजेंट को इस्तेमाल करते हुए रिपीट पे लगाएं, सुने, ध्यान लगाएं, सवाल बंद कर दें, सरेंडर करने का प्रयास करें। लेकिन जब आप सुनना, जपना, रात को रिपीट पर लगाना, सेवा करना, माफिया मांगना, धन्यवाद करना, दया करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे ये गुण आपके अंदर प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे सहज रूप में आपको लगने लग जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं। ये नथिंगनेस ही आपको सब कुछ दिलाएगी, सब कुछ बनाएगी। तो वो जो इंटेलिजेंस है उसका थोड़ी दूर तक काम है, उसके बाद उसको छोड़ देना। जैसे एक लॉन्चिंग पैड है, रॉकेट को लॉन्च करना है, उसका लॉन्चिंग तक ही काम है, उसके बाद लॉन्चिंग पैड को आप साथ में एक एडिशनल बर्डन के तौर पे लिए घूम रहे हैं। उसने लॉन्च कर दिया, निकल गया रॉकेट, उड़ान भर ली, तो अब क्या करेंगे आप लॉन्चिंग पैड का? हमारी अकल वो लॉन्चिंग पैड है और हम उसमें अटके रहते हैं। बचिएगा, अगर कुछ लोग मुझसे असहमत है तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक और जो मालिक ने दया करके मुझे सुझाया, मुझे तो कुछ आता नहीं है, वो ऐसा ही कुछ सुझाया, और अगर कोई असहमत हो तो मैं माफी चाहता हूं, उनके पास अधिकार है मुझसे असहमत होने का। लेकिन जो लोग मुझसे सहमत है, क्योंकि जिन्होंने भी पाया, भक्त नामदेव जी को लोग पागल कहते थे, उनको कोई कहता था कि वहां शमशान में प्रेत है, तेरा जो बिट्ठल है वहां है, तो शमशान में भाग के चले जाते थे। जिन्होंने भी पाया, चाहे मीरा ने पाया, जिसने भी पाया, पागलपन से पाया, संसार की परवाह किए बगैर पाया, वो जो बुद्धि वाला मामला है उसके मकड़ जाल से निकल के पाया, सवालों के मकड़ जाल से बाहर निकल के पाया, सरेंडर के साथ पाया। जैसे हम संसारिक मोहब्बत करते हैं तो दीवाना हो जाता आदमी, लैला मजनू, ही राजा, श्री फरहाद, शशि पुन्नू, मिर्जा साहिबा, दीवानेपन से पाया। तो जब इस दुनियावी इश्क में भी अपनी महबूबा को पाने के लिए पागलपन की हद तक जाना पड़ता है, तो अल्टीमेट प्राप्ति है, उससे बड़ी तो इस संसार में प्राप्ति कोई नहीं, वो अल्टीमेट इश्क है। तो उसके लिए किस लेवल का पागलपन चाहिए होगा, किस लेवल की दीवानगी चाहिए होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करते हुए इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्रीचंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष,
देवी देवता अवतार पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिलोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।